नमस्कार दोस्तों, हम यो सत्या और मही के बारे में बात करना चाह रही हूँ तोहनी से। आज मही धीरे धीरे लोग कम बोल रहे थीन हैं। गांव देहात में भी अब देख लेथिन तो दू गो मगहिया जब मिला हथिन तो आपस में मही छोड़ के हिंदी में बात करे लगा हथिन। अगर मघी के यही हाल रहले तो धीरे धीरे देखथिन कि मघी बोले वाला के संख्या में बहुत कमी आ जाते और निकट भविष्य में ही मघी विलुप्त होवे के कगार पे भी आ जाते। हमनी जे करेंट जनरेशन हिए ओकरी जिम्मेवारी बना है कि महिला अपन स्तर पर कम से कम जितना हो सके उतना कैल जाए। अगर अपने कविता लिख सका हथिन तो कविता लिखथिन, शॉर्ट्स बना सका हथिन, वीडियो बना सका हथिन, रचना जितना भी अपने करा हथिन अगर दूसर भाषा में करा हथिन तो मघी में भी कर सकलथिन है। आओ कम से कम इतना तो कर ही सकलथिन है कि मघी में बोलथिन, अगर कोई तोरा मघी में मिलो हो आदमी तो ओकरा से मघी में बतिया हो, ये तो कर ही सकलू है कम से कम। अपन अगला जनरेशन के अपन बच्चन के कम से कम मघी सिखाऊ, एक बहुत जरूरी है को कि कम से कम घर में मघी बोलू। आओ धीरे धीरे जब भी तू घर से बाहर भी निकलू और तोरा कोई दूसर मघी बेटा हो तो ओकरा से मघी में बात करू। सबसे जरूरी बात जो हम तोरा से कहला चाह रहे है कि जब भी जनगणना होवो तोरा ही अगर जनगणना ला कोई सरकारी कर्मचारी आवहत हो तो उनका मातृभाषा में मघी लिखवाई है एकदम याद करके, तब्बे हमनी के सही संख्या पता चलते कि हमनी कितना मगहिया हिए। आज मघी जब कोई बोला है तो ओकरा देहाती समझल जाए ऐसा कोई बात ना है। धीरे धीरे देखो समय चेंज हो रहे है, आज डिजिटल वर्ल्ड में भी देखो कि पहले ट्विटर पर या यूट्यूब पर तोरा कोई भी कंटेंट ना मिल सका हलो मघी में, लेकिन आज मिल रहे है। तो धीरे धीरे आओ सब जुड़ो और जितना हो सके ये मघी के जे जन जागरण चल रहे है ओकरा में अपन योगदान देहो और पूरा कोशिश करहू कि मघी के बढ़ावल जाए। धन्यवाद।